हेलो ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद मॉन्स्टर हॉर्नर फाइट गेम प्ले वीडियो। सो ट्रेनर्स, आज तो मॉन्स्टर हॉर्नर फाइट रिलेटेड कोई वीडियो मतलब मैं डालने नहीं वाला था, लेकिन क्या करे भाई, एडमिन क्या कर रहा है मुझे पता नहीं भाई। दो दिन पहले जो हमारा मेगा जो इवेंट आया था, वो जो एक्सचेंज सी करके, एक्सचेंज ए बी सी, वो क्या था, बीस्ट एक्सचेंज, हाँ वो करके, अभी वो रिसेट हो गया दो दिन के बाद। अभी नया इवेंट आया है, तो कब इवेंट डाल रहा है तो भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा। और इसके बारे में चलो बाद में बात करते हैं, पहले हम हमारे डायरेक्ट इवेंट पे आते हैं। और बोनस इवेंट, चलो हम इवेंट में आज क्या है देख लेते हैं। वीडियो भाई बहुत ही लेट आ रहा है, और इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये इवेंट पहले आपको दिखाएं, तो पहले डिटेल्स में सब लोग समझ लो, ठीक है, मतलब कौन सा पोकेमॉन मिलना चाहिए, कौन सा इवेंट बेस्ट है, कौन सा नहीं। और ये रहा, ये तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देख ही चुके हो कि बीस्ट एक्सचेंज वाउचर कैसे आप लोग ले सकते हो, मतलब किस तरह से मिलेगा भाई। बहुत ही महंगा है, बहुत ज़्यादा ही महंगा है। 1000 डायमंड भाई खर्चा करने के बाद एक, मतलब सॉरी गलत बोल दिया, 1000 डायमंड टॉप अप करने के बाद एक, मतलब समझ रहे हो भाई महंगाई का लेवल, ठीक है। तो ये तो भाई छोड़ दो, और चलो बीस्ट एक्सचेंज सी आ जाते हैं। और ये रहा हमारा पहला पोकेमॉन, प्रिंसेस डियानसई। भाई इसको लेने का भाई कोई भी मत सोचना कि इसको अपने टीम में ऐड करने का, ठीक है, कोई भी मत सोचना। अगर बीस्ट एक्सचेंज ज़्यादा हो, सब कुछ आपके पास हो, सब पोकेमॉन बेस्ट हो, तो कलेक्शन के लिए रख ही सकते हो, वो तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर मतलब आप लोग कुछ अच्छा खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो भाई इसको भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। तो इसका मैं भी अभी तो नहीं दिखाऊँ, बाद में इसका भाई सब कुछ दिखा दूंगा पोकर डेस्क के अंदर जाके। अभी चलो दूसरे पोकेमॉन दिखा लेते हैं। और इसका एवोल्यूशन स्टोन भी आ गया, और एक्सक्लूसिव गियर भी, तो एक्सक्लूसिव गियर तो आप लोग सभी जानते ही होगा, 30% उसका फेयरी और ग्राउंड टाइप का अटैक तो पावर बढ़ा देगा, और एक्सक्लूसिव अटैक। और गाइस देखो, जो मतलब जिसके लिए ये इवेंट भाई बहुत ही बेस्ट इवेंट है मेरे लिए, ठीक है। और जो लोग जो भी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन यूज़ करते हो, और रायकूजा गाइस सबसे बढ़िया है रायकूजा, ठीक है। ड्रैगन टाइप पोकेमॉन अगर आप रायकूजा यूज़ करते हो, तो ये इवेंट आपके लिए सबसे बढ़िया है। और रायकूजा पोकेमॉन यहाँ से नहीं लेना, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही पोकेमॉन महंगा है, वो तो आप लोग गैपाचम से तो ले ही लेना, कैपाचम क्या था उसमें भाई, पॉइंट्स वहाँ से ले लेना, ठीक है, आप लोग तो समझ गए ही होगे। और यहाँ से इसका एवोल्यूशन स्टोन ले लो भाई, आप मतलब जो जितना भी ले सकते हो ले लो एवोल्यूशन स्टोन। और ये इवेंट भी शायद 2 दिनों के लिए आया है, चलो देख लेते हैं। 23 आज है, और 23 हाँ 25, तो जितना ले सकते हो ले लेना। और चलो मैं भी ले लेता हूँ, बीस्ट एक्सचेंज तो मेरे पास है और नहीं है, 2 बीस्ट एक्सचेंज से 5 एवोल्यूशन स्टोन, तो चलो हम लोग बीस्ट एक्सचेंज मड़ा खरीद 10 खरीद लेते हैं। 50 विश तो भाई उड़ गए, मैंने ठीक से हिसाब नहीं किया था, लेकिन चलो फिर से आ जाएंगे खरीदने पे। और यहाँ पे खरीद लेते हैं हम लोग, कहाँ गए एवोल्यूशन स्टोन, ये रहा 2 मतलब 5, यानी कितने हो गए भाई 25, तो हमें और चाहिए 20, ठीक है, और 20 चाहिए, क्योंकि हमारा देखो पैरस 5 था, और 20 चाहिए, तो अभी मैं खरीदूँगा 8 खरीदने के बाद मुझे शायद मिल जाएगा 8, यानी वहाँ पे 4 into 5 यानी 20, ठीक है, चलो 8 और खरीदते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 8 खरीदते हैं, और हमारा विश सिर्फ बचा है और 5 विश, मतलब पूरा गरीब हो गए हम फिर से। और अरे कहाँ गया बीस्ट एक्सचेंज सी। और ये रहा हमारा वाइट पूजा एवोल्यूशन स्टोन, 3 4 into 20, तो हो गया है 50 हमारा एवोल्यूशन स्टोन। और शायद मैं इसको कॉन्वर्सेशन तो नहीं कर पाऊँगा इसको रायकूजा को, चलो दोबारा कर लेंगे, लेकिन भाई मेगा तो हो रहा है ना, यही हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, मेगा तो हो ही जा रहा है। जो कॉन्वर्सेशन स्टोन है इसको तो हम नहीं खरीद पाएंगे, तो बाद में जब इवेंट आएगा तो बाद में कर लेंगे, अभी के लिए तो भाई मतलब
हमारे लिए एवोल्यूशन ही काफ़ी है। और इसका एक्सक्लूसिव गियर भी आ चुका है, स्काई स्काई पेडल। हमारे पास गियर शायद था, चलो देख लेते, नहीं गियर तो हमारे पास नहीं था, चलो गियर को भी खरीद लेते। बहुत ही अच्छा इवेंट आया है और गियर, चलो गियर भी हम लोग खरीद लेते हैं। बेस्ट एक्सचेंज, अरे सी सबसे ऊपर चले गया, चलो गियर अभी हम गियर भी खरीद लेते हैं। भाई एक्सक्लूसिव गियर हमारे बेस्ट पोकेमोन के लिए आ गया है। और इसका भाई एक्सक्लूसिव अटैक भाई, अगर रायकूजा आप लोग यूज़ कर रहे हो ड्रैगन टाइप, तो सबसे बढ़िया पोकेमोन इस विन को भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर रायकूजा नहीं भी है भाई, आप लोग अगर ले सकते हो इसका एवोल्यूशन स्टोन, कॉम्पनसेशन स्टोन, एक्सक्लूसिव अटैक्स स्किल्स जो अगर ले सकते हो तो ले लेना। रायकूजा बाद में खरीद लेके अपने टीम में ऐड कर देना भाई, बहुत ही अच्छा पोकेमोन है ड्रैगन टाइप रायकूजा, बिल्कुल भी मिस मत करना। और मेरे रायकूजा के पास ये अटैक मैंने दे रखा है ड्रैगन एंसेंट, और एक ड्रैगन टाइप अटैक चाहिए, तो चलो इसको भी हम खरीद लेते हैं। ड्रैगन टाइप अटैक बहुत ही अच्छा अटैक तो लग रहा है देख के, और ये अटैक तो एयर टाइप है, इसको चलो बाद में देखते हैं खरीद पाते हैं या नहीं, पहले तो एक ड्रैगन टाइप अटैक खरीद लेते हैं। चलो हमने खरीद लिया, हमारे हम भी अभी भिखारी हो चुके हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास, उस एक्सचेंज भी सिर्फ 5 बचा हुआ है, और 2 दिनों में भाई घंटा खरीद सकते हैं। अगर इवेंट 1 हफ्ते तक भी देता तो सब कुछ खरीद लेते। और चलो मैं बाकी दिखाया तो भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, और बाकी लुकिया भाई इस गेम में सबसे बेस्ट डिफेंसिव पोकेमोन अगर कोई है तो फिर वो है लुकिया। अगर लुकिया आप लोग खरीद सकते हो भाई, लुकिया भी खरीद लेना, ठीक है। मतलब मैं लुकिया यहाँ से मत खरीदना, वो जो गैपाचा में वहाँ से खरीद लेना। और लुकिया का एवोल्यूशन स्टोन अगर खरीद सकते हो या फिर कॉन्वर्सेशन स्टोन जो भी खरीद सकते हो आप लोग खरीद लेना, जितना भी खरीद सकते हो खरीद लेना यहाँ से। कॉन्वर्सेशन स्टोन तो भाई बहुत ही महंगा है, एवोल्यूशन स्टोन अगर खरीद सकते हो तो खरीद लेना, ठीक है। लुकिया लेकिन लुकिया गया पाचम से, लुकिया सबसे बढ़िया है डिफेंसिव पोकेमोन के लिए। और इसका एक्सक्लूसिव गियर भी आ चुका है सिल्वर विंग, सिल्वर विंग भी इसका क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग पोकेमोन देखते होगे तो जानते ही होगे। और गाइस एक और पोकेमोन, मतलब क्या ही दे रहे हैं भाई ये तीनों इवेंट ना, तीनों मतलब तीन अलग अलग टाइम में देना चाहिए था तीनों इवेंट तो अच्छा होता भाई। अल्ट्रा का होगा, जो अल्ट्रा का होगा बहुत ही महंगा होगा, 32 बीस्ट एक्सचेंज वाउचर, मतलब विथ कितना 150 भाई बहुत ज़्यादा उसने। नहीं यहाँ से मत खरीदो, क्योंकि अल्ट्रा का होगा फिर से आएगा सिर्फ 120 विथ एक्सचेंज से आएगा, ठीक है। तो भूल जाओ इसको खरीदने के बाद भूल जाओ, लेकिन इसका भाई इसका भी मैं बोलूँगा अगर खरीद रखना चाहते हो कि इसका एवोल्यूशन स्टोन और इसका एक्सक्लूसिव किया तो खरीद के रखो। और इसका एक्सक्लूसिव अटैक भाई यार बस्ट बहुत ही खतरनाक अटैक है, बहुत ही खतरनाक, इसको भी आप लोग खरीद के रखो भाई, बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अगर अल्ट्रा कारीगर का अब बाद में यूज़ करना चाहते हो तो इसका एक्सक्लूसिव अटैक भाई खरीद के ही रखो, इसका एक्सक्लूसिव बहुत ही खतरनाक अटैक है, ठीक है। यार बस्ट और बहुत ही अच्छा अटैक है, इसको भाई मतलब खरीद के रख सकते हो, ठीक है, बहुत ही खतरनाक सा अटैक है। और मैंने शायद ऊपर एक्सक्लूसिव अटैक लुकिया का हाँ एक्सक्लूसिव अटैक आया था, चलो देख लेते हैं। सी गॉड विंड वाइंड भाई बहुत ही अच्छा अटैक है, इस अटैक को करने के बाद तीनों राउंड्स के लिए एक रेनी वेदर रहेगा, रेनी ग्राउंड रहेगा, रेनी वेदर ही कह सकती है भाई। उसमें अगर कोई भी अटैक यूज़ करोगे तो 60% डैमेज ज़्यादा होगा हमारे पोकेमोन के अटैक, ठीक है, जो राउंड ग्राउंड से हमारे पोकेमोन के लिए बनेगा इसलिए, ठीक है, बहुत ही खतरनाक। और शायद मैंने बीच सी में भी अटैक मिस कर दिया था यहाँ पे भाई, ये जो पोकेमोन आया है वो प्रिंसेस डियंस है, उसका अटैक एक एक्सक्लूसिव अटैक आया था डायमंड कटिंग, तो वे भी बहुत ही अच्छा अटैक है। लेकिन पोकेमोन बेकार है, बेकार तो पूरा बेकार तो नहीं कहूँगा, और किसी को पसंद होगा तो उसको भाई बुरा लगेगा, तो बेकार तो नहीं कहूँगा, इसलिए मैं इसके अटैक के बारे में भाई समझना भी नहीं चाहता, ठीक है। और रायकूजा का अटैक तो मैंने बारे में इसके बारे में तो मैंने बोल ही दिया था, और लुकिया का अटैक बोल दिया, कागोर का अटैक बोल दिया। और चलो लास्ट बिस्ट एक्सचेंज वाउचर, और ये रहा
अल्ट्रा नेक्रोसोमा साइकिक और फायर टाइप पोकेमॉन है। ये मतलब बेकार भी नहीं कह सकती और बहुत बढ़िया भी नहीं कर सकती। मतलब इसका नाम क्या था, अल्ट्रा नेक्रोसोमा, तो इसका भी कॉन्वर्सेशन स्टोन मतलब एवोल्यूशन स्टोन और एक्सक्लूसिव दिया तो है ये फोटोन स्विल्ड, ठीक है, और इसका एक्सक्लूसिव अटैक फोटोन बर्स्ट, ठीक है। चलो इसके बारे में तो मैं समझा देता हूँ। सो गाइस, ये अटैक करने के बाद 2 राउंड्स के लिए एक फोटोन राउंड फोटोन शील्ड स्टेट जैसा एक राउंड ग्राउंड बन जाएगा हमारे पोकेमॉन के लिए, और उसमें अगर एनिमी का पोकेमॉन कोई साइकिक टाइप अटैक यूज़ करे तो हमारे ऊपर डैमेज पड़ेगा -50%। अगर आप तो समझ गए होगा तो मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर कोई भी साइकिक टाइप पोको अटैक यूज़ करे एनिमी का पोकेमॉन, समझो उसका पावर हो 100, तो हमारे ऊपर आएगा 50 पावर के साथ, ठीक है, मतलब 50% घट जाएगा एनिमी पोकेमॉन का साइकिक टाइप अटैक, ठीक है। मतलब बहुत ही कमाल का ही अटैक है, बहुत ही अच्छा अटैक है। और एक और अटैक दिया गया है प्रिस्मेटिक लेजर, ये बहुत ही एक अच्छा अटैक है। मतलब एनिमी के ऊपर एनिमी के पोकेमॉन के पास कोई भी एबिलिटी हो, अगर समझ लो सबसे बेस्ट स्पेशल डिफेंस अगर ज़्यादा हो लेवल 1 लेवल 5 लेवल 6 मैक्स हो, तो वो फुल्ली इग्नोर करके मतलब इसका पावर कोई भी घटने का कोई चांस ही नहीं है, पूरा बहुत ही खतरनाक तरीके से मतलब पूरा फुल डैमेज होगा, ठीक है, कोई अटैक मतलब अटैक का पावर घटेगा ही नहीं, बहुत ही अच्छा अटैक है। और एक और पोकेमॉन का ही क्रिम्सन चारिताट है, तो इवेंट में तो भाई आ चुका होगा, मतलब आ गया है, पहले इवेंट में आ ही गया है क्रिम्सन चारिताट, बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन थोड़ा स्पीड कम है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, कोई तो नहीं बोलूँगा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। स्पेशल अटैक इसका बहुत ही बढ़िया है, बीस्ट है एकदम, बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। और इसका एवोल्यूशन स्टोन भी आ चुका है, एक्सक्लूसिव गियर भी, और हेल फायर भी इसका अटैक जो आया था, और जी मैक्स वाइल्ड फायर। अगर आप मेरे वो वाले वीडियो तो नहीं अगर देखे नहीं हो तो जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं इसके बारे में सब कुछ बोल चुका हूँ, उसके गियर के बारे में ये जो अटैक है फुल डिटेल सब कुछ मैंने बोल दिया है, वो वीडियो मेरे आप चेकआउट कर लोगे मॉन्स्टर हंटर फाइट प्लेलिस्ट पे तो आपको मिल ही जाएगा आराम से, तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ पोकोरेस में मैं दिखा दूँगा इसका पावर और एबिलिटी के बारे में, ठीक है, तो और कुछ नहीं आया। तो चलो अभी हम हमारे पोकोडेस में चलते हैं, ठीक है, पोकोडेस में मैं दिखा देता हूँ पहला पोकेमॉन से, और ये रहा हमारा पहला पोकेमॉन पिनसे डियानसाई, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल एसटीआर 680 सभी का जो होता ही है, और स्पीड देख लो तो मैंने बोला ही था उतना खास पोकेमॉन नहीं है, स्पेशल अटैक और मतलब फिजिकल अटैक स्टार पे हम लोग अभी देख लेते हैं, और इसका स्पीड देख लो वो भी 120 और फिजिकल अटैक 185, और टू स्टार पे देख लो फिजिकल अटैक 195 स्पीड 130। और आप लोग समझ रहे हो भाई इसका फिजिकल अटैक तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन भाई ये पोकेमॉन उतना अच्छा नहीं है, इस पोकेमॉन का टाइप भी फिजिकल अटैक टाइप है, लेकिन पोकेमॉन भाई मतलब ग्लोबल बैटल पे अगर यूज़ करोगे तो मतलब वो पूरा बेकार ही पोकेमॉन है, ठीक है, ग्लोबल बैटल पे यूज़ तो आप लोग नहीं कर सकते। फिजिकल अटैक अच्छा है लेकिन तो अगर बेकार ही पोकेमॉन है मैं तो अब भाई इसको मत लो, ठीक है, उतना अच्छा पोकेमॉन तो ये नहीं है। इसका स्पेशल अटैक भाई भी बहुत ज़्यादा ही कम है स्पेशल अटैक, ठीक है, तो इसको भाई बिल्कुल ही मत लेना, इसको लेने का भाई सोचना भी मत, ठीक है। और चलो अभी हम दूसरा पोकेमॉन देख लेते हैं, और ये रहा हमारा दूसरा पोकेमॉन रायकूजा। भाई ड्रैगन पोकेमॉन का आप तो मैं बहुत ही फैन हूँ, तो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, आप सब तो सभी को पता होगा लगभग सभी को रायकूजा के बारे में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ भाई देख लो इसका मतलब लेजेंडरी पोकेमॉन है और बात ही क्या करें, ठीक है, अटैक देख लो 150 स्पेशल अटैक देख लो 150 बहुत ही बढ़िया स्पेशल अटैक, और भाई जब कॉन्वर्सेशन हो जाए मतलब मेगा एवोल्यूशन हो जाए, ठीक है, तो देख लो अटैक देख लो 180 स्पेशल अटैक 180 स्पीड 115 भाई और क्या चाहिए,
ड्रैगन टाइप में और क्या चाहिए, इसके बाद और क्या चाहिए ड्रैगन टाइप में, और कुछ बचा ही नहीं। आराम से किसी को भी मार सकता है, आराम से कोई भी बैटल आप लोग जीत सकते हो रायकूजा को लेके। भाई बिल्कुल भी मतलब एकदम आँख बंद करके इसका एवोल्यूशन स्टोन और कॉन्वर्सेशन स्टोन एकदम ले लो, ठीक है। और रायकूजा पोकेमॉन आप वहाँ से मत लेना, पूरा लॉस ही वहाँ से लेना, वो तो आप कैपेचोन से आराम से ले सकते हो, वहाँ से ही ले लेना। और चलो अब अभी हम दूसरे पोकेमॉन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा दूसरा पोकेमॉन लूकिया। भाई बहुत ही अच्छा डिफेंसिव पोकेमॉन है, चलो देख लेते हैं। और स्पेशल डिफेंस तो देख ही सकते हो, मतलब एकदम खरीदने के बाद नॉर्मल फॉर्म पे इसका स्पेशल डिफेंस है 154, स्पीड 110 और फिजिकल डिफेंस भी 130। भाई बहुत ही अच्छा। और चलो वन स्टार पे देख लेते हैं, वो फिजिकल डिफेंस 145, स्पेशल डिफेंस 164। भाई बहुत ही अच्छा है वन स्टार पे, और टू स्टार तो भाई कमाल का ही होगा। और कॉन्वर्सेशन के बाद तो भाई पूरा मतलब डिफेंस के लिए पूरा बीस्ट है, और मतलब अटैक के लिए एकदम अटैकिंग टाइप पोकेमॉन एकदम बेकार है, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा। ये पोकेमॉन मतलब लेजेंडरी पोकेमॉन है लुगिया, आप तो लुगिया का पावर आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छा है। और देख लो इसका स्पेशल डिफेंस 179 और फिजिकल डिफेंस 155, स्पेशल अटैक देख लो 110 और फिजिकल अटैक भी देख लो 110। तो मतलब अटैक के लिए भी आप बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, अटैक आप लोग अटैक कर भी करोगे तो हार जाओगे ऐसा तो मत सोचना, बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। अगर इसको स्ट्रॉन्ग बना के आप लोग यूज़ आराम से कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। इसका भी आप अगर ले सकते हो कॉन्वर्सेशन स्टोन या फिर एवोल्यूशन स्टोन जो भी आप ले सकते हो तो ले लो। पोकेमॉन तो भाई मत लेना, पोकेमॉन तो क्या अच्छा उनसे लेना। और चलो और क्या आया था हम लोग देख लेते हैं। और भाई सबसे बढ़िया जो इवेंट दिया है अल्ट्रा कायोगा का, अल्ट्रा कायोगा तो भाई कितना खतरनाक पोकेमॉन है आप लोग तो जानते ही होंगे। और देख लो ये इसका स्पेशल अटैक, भाई खरीदने के बाद मतलब कोई भी अपग्रेड के बिना स्पेशल अटैक 170, मतलब कितना ही बीस्ट पोकेमॉन है समझ रहे हो। और मेगा एवोल्यूशन के बाद तो भाई मतलब बिल्कुल बात ही नहीं करो, स्पेशल अटैक 200 और क्या ही चाहिए, स्पेशल अटैक 200। भाई आराम से आप लोग इसको ग्लोबल पे यूज़ कर सकते हो, हर एक बैटल जीत सकते हो, बहुत ही अच्छा पोकेमॉन भाई है, बहुत ही अच्छा। और अगर ले सकते हो इस पोकेमॉन को तो भाई मत लेना, बहुत ही महंगा है यहाँ पे। तो इसका अगर एवोल्यूशन स्टोन, कॉन्वर्सेशन स्टोन और एक्सक्लूसिव गियर भाई जो भी ले सकते हो और एक्सक्लूसिव अटैक जो भी ले सकते हो भाई ले लेना। और पोकेमॉन का वेट करना, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा फिर से इवेंट पे, तो तब ले ही लेना, ठीक है। और चलो अभी दूसरे पोकेमॉन की तरफ बढ़ते हैं हम। और ये रहा हमारा अल्ट्रा नेक्रोसोमा, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए इसका स्पेशल अटैक तो भाई बहुत ही बढ़िया है, 175 बस, और स्पीड 116 तो ठीक ठाक ही है। और अब भी देख लो स्पेशल अटैक 185 भाई बहुत ही बढ़ गया है, और स्पीड 126 और डिफेंस तो उतना खास नहीं है। और चलो देख लो स्पेशल अटैक 200, स्पीड 136, तो मतलब स्पेशल अटैक तो बहुत ही बढ़िया है। ये रहा हमारा क्रिम्सन चारिज़ार्ड, बहुत ही अच्छा एक पोकेमॉन है, बहुत ही अच्छा। इसके बारे में मैंने पहले बोल भी दिया था, तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इसको एक बार में दिखा देता हूँ। अगर आप लोग इसके बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हो तो मेरे वीडियो पर जाके चेकआउट कर सकते हो। और उसमें मैंने एक चीज़ गलत बोला था कि इसको भाई मत लो, तो उस वो वाला चीज़ मैंने बहुत ही गलत बोल दिया था, क्योंकि पता है मैं सिर्फ ये जो पहला स्टेज है मतलब जीरो स्टार वो इसको मैं समझ रहा था टू स्टार, ये इस वाले स्टेज को स्पेशल स्टेज को देख के मैंने बोला था भाई इसको मत लो। लेकिन आज जब मैं इसको देख रहा हूँ भाई टू स्टार पे इसका स्पेशल अटैक 200, स्पेशल डिफेंस 155 बस, और क्या चाहिए, हार्ड एच पी 130 और भाई लेजेंडरी पोकेमॉन भाई और क्या चाहिए भाई, बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, बहुत ही अच्छा। स्पीड थोड़ा कम है लेकिन भाई उसको फुल इग्नोर करो, बहुत ही एकदम बीस्ट पोकेमॉन है, आप इसको आराम से यूज़ करते हो। उसके एक्सक्लूसिव अटैक भी बहुत ही बढ़िया है, दो एक्सक्लूसिव अटैक जो जी मैक्स वेलफेयर एंड हेल्थ फायर, बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, आप इसको भी ले सकते हो। मतलब पोकेमॉन को भाई उस वहाँ से ले मत लेना, बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो वापस तो इवेंट अगर आता ही रहता है आ ही जाएगा इवेंट, वेट करते रहना।
इसका एवोल्यूशन स्टोन, एक्सक्लूसिव कियर और एक्सक्लूसिव अटैक और कौन सा तो नहीं दिया, तो ये सबको जगह ले सकते हो भाई, बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो आज का तो रिव्यू भी तो वीडियो बस इतना ही भाई। अगर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन यूज़ करते हो भाई बिल्कुल भी मत भूलना, मैं तो अपने राइकू से को इवॉल्व तो कर ही दूंगा, उसका वीडियो भी बना दूंगा। 50 स्टोन हो चुके हैं, अभी बस मुझे मिथिकल मेगा स्टोन चाहिए, वो तो मैं खरीदने के बाद एवोल्यूशन करा दूंगा इसको भाई। बहुत दिनों बाद राइकूसा भाई एवोल्यूशन फाइनली इस अकाउंट पे तो हो ही जाएगा। इस अकाउंट पे भाई पूरा बेकार ही है, सारे पोकेमॉन धीरे धीरे तो स्ट्रॉन्ग बन ही रहा है, सब सारे पोकेमॉन को धीरे धीरे ट्रेन तो कर ही रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल बैटल भी देख रहे हो, बहुत ही बुरा ग्लोबल बैटल हो रहा है क्योंकि ये अकाउंट पूरा बेकार है, पूरा नूब अकाउंट है, इसलिए क्या ही और कर सकते हो। और गाइस भाई एक और बात, वीडियो इतना लेट क्यों अपलोड किया, उस बारे में बोल देते भाई, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, वीडियो इतना ही लेट। अगर वो लोग सुबह अगर अपडेट देते तो वीडियो भाई बहुत ही जल्दी आ जाएगा, 8:30 बजे अगर अपडेट दे, क्योंकि 10 बजे से मेरा ड्यूटी रहता है, इसलिए इसके वजह से 10 बजे से सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक मैं कोई भी अगर कोई अपडेट दे गेम में तो मैं नहीं बता सकता। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के अंदर कोई अपडेट दे तो रात को 10 बजे के बाद ही आपको न्यूज़ मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ही मैं फ्री रहता हूँ और ये वीडियो बना के भाई, और कोई एनर्जी नहीं रहेगा, बस सो जाना पड़ेगा, फिर कल सुबह उठ के देखना पड़ेगा, मतलब फिर काम, फिर सब कुछ, मतलब इसके लिए तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, हो सकता तो मुझे माफ़ कर देना। तो बस आज का वीडियो तो बस इतना ही था कि कौन सा पोकेमॉन आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है, बस इतना ही भाई, बिल्कुल भी मिस मत करना भाई राइकूसा। अगर राइकूसा अगर है तो फोल जाओ, लुगिया भी होगा भाई, अल्ट्रा कयोगर को बिल्कुल भी मिस मत करना, अगर वो नहीं है अल्ट्रा कयोगर अगर नहीं है तो पोकेमॉन तो बाद में ले लेना, बस उसका कॉन्वर्सेशन सिस्टम जो बाकी सब कुछ तो आया है, बस वो सब कुछ आप लोग ले लेना, ठीक है। और गाइस हमारे चैनल में 2 giveaway चल रहा है, मतलब एक तो giveaway हम लोग नहीं बोल सकते, वो एक गिफ्ट है मेरे तरफ से, और वो गिफ्ट का रीज़न चलो मैं आपको अपने चैनल पे जाके दिखा देता हूँ। तो गाइस हम लोग हमारे चैनल के ऊपर आ चुके हैं, और इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ अनाउंसमेंट किया था मतलब VIP 1, ये जो giveaway नहीं है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, और वो गिफ्ट क्यों है वो तो आप वीडियो देखने के बाद पूरा समझ ही जाओगे। और जो giveaway वीडियो है वो भी आप लोग पार्टिसिपेट करना मत भूलना, VIP 2 के लिए 2 VIP 2 में giveaway कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मत भूलना पार्टिसिपेट करने का, मैं इसका लिंक में कॉमेंट सेक्शन दोनों जगह पर मैं डाल दूंगा वीडियो का लिंक, तो ठीक है। और गाइस हो सके तो माफ़ कर देना भाई, बहुत ही वीडियो लेट डाल रहा हूँ, और लेट भाई मुझे लेट ही चलना पड़ेगा, कि अपडेट कब दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं, जो एडमिन बैठे हुए हैं कब अपडेट दे रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा, जब भी मुझे पता चल रहा है मतलब रात को आने के बाद ही पता चल रहा है, तो रात को ये अपडेट का न्यूज़ तो आता रहेगा। और बाकी सारे वीडियोज़ जो सुबह देते हैं अपडेट, तो वो सब तो बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास तो आ ही जाएगा, पहुँच ही जाएगा आपके पास। और ये जो फ्री जो giveaway वाला जो मैं दे रहा हूँ, फ्री वाला जो giveaway, बस इसका दो काम आपको करना पड़ेगा सिर्फ, 21 लाइक है भी और 21 सब्सक्राइबर प्लस, मतलब मेरा जब मैंने वीडियो छोड़ा तो 111 सब्सक्राइबर्स थे, तो 116 हो गए, तो अब तो माइनस करके आप लोग समझिएगा और कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए। जल्दी से जल्दी वीडियो मतलब giveaway के रिजल्ट पाने की शेयर करो, सब्सक्राइब करो, करवाओ अपने दोस्तों के साथ। तो और जो ये वाला वीडियो है ये तो भाई 200 सब्सक्राइबर होने के बाद ही आपको मिलेगा, और वीडियो पे आके कोई भी एक रैंडम कमेंट कर देना और आराम से आप लोग जीत सकते हो VIP। और पहला हमारे ऊपर हमारे चैनल पे पहला तो किया भी हो गया है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो चेकआउट कर लेना गाइस भाई, सच बोलो अभी तक आप लोग देख रहे हो चैनल को भाई, कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई अभी भी टाइम पे चले जाओ, जाके सब्सक्राइब बटन को एक बार प्रेस कर दो भाई, वो कितने दिनों तक वैसा लाल ही पड़ा हुआ है भाई, उसके ऊपर जाके ग्रे कलर का कर दो, ठीक है। और वो रहा हमारा टीममेट, और बेल नोटिफिकेशन भाई ऑल कर देना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मतलब बहुत सबसे जल्दी पाने के लिए। और यहाँ पे आप लोग प्ले लिस्ट पे आ जाओगे तो भाई बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ,
मॉन्स्टर हॉनर फाइट, पबजी फ्री फायर, पबजी पबजी क्लिक, फिर मॉन्स्टर हॉनर फाइट। मॉन्स्टर हॉनर फाइट पहले था सीडी की, तो आप लोग चाहो तो ये सब पीछे रिकॉर्ड कर सकते हो और आपके दोस्तों के सर्विस शेयर कर ही सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो तो बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।